सबको जय मसीह की। आज मैं आपको विश्वास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और आज जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत से लोग आज विश्वास के बारे में नहीं जानते हैं और वो विश्वास को एक बहुत सीमित दायरे में लेकर चलते हैं। लेकिन वास्तव में विश्वास क्या है? इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ऐसी वस्तुएं जिनकी हम आशा कर रहे हैं, जिनको जिनके बारे में हम कहते हैं कि हैं इनको हमें पाना है, उन वस्तुओं के विषय में जब हम इस बात की घोषणा करते हैं कि वो हमें मिल चुकी हैं, तो ये हमारा विश्वास है। फिर बाइबल बताती है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिसे हमने देखा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उन बातों पर विश्वास किया करते थे जिन्हें उन्होंने देखा भी नहीं था, और वो वस्तुएं जिन्हें हमने देखा नहीं है, हम उन वस्तुओं पर जब विश्वास करते हैं तो वो हमारा विश्वास है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, तभी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को, चंगाई को, हमारे छुटकारे को, हर चीज को हमारे लिए पूरा कर दिया था। लेकिन जरूरत है कि आज हमें उसे पाने की, आज हमें उसे रिसीव करने की। आज कमी यह है कि हम में से बहुत से लोग उसे रिसीव करना नहीं जानते, उसे लेना नहीं जानते। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही है, हमारे जीवन के जो है कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, हम आज भी बंधनों में जकड़े हुए हैं, दुष्ट आत्माएँ हमें सता रही हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा कर दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है पहला पत्रस 2:24 में कि प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती 8:17 में कि उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया है, हमारी बीमारियों को उठा लिया है। हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि हमारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह ले चुका है। जब हम इस तरह का विश्वास अपने मन में लेकर चलते हैं तो हम चंगे होते हैं, उस बीमारी से छुटकारा पाते हैं। बाइबल के अंदर लूका 8 अध्याय 43 से और 48 पद में एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि एक 12 साल से बीमार औरत जो चंगी नहीं हो रही थी, जिसने अपना सारा धन अपनी बीमारी पे खर्च कर दिया था, जो किसी भी प्रकार से बहुत सारा जैसा लोगों ने कहा वैसा वो कर चुकी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। एक दिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने विश्वास किया और उसने अपने मन को दृढ़ किया, अपने मन में एक बड़ा विश्वास लेकर कि मैं प्रभु यीशु मसीह के आंचल को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इस विश्वास को लेकर वो घर से निकल गई। और उस जमाने में जब सड़कें धूल से भरी होती थी और जो घोड़े खच्चरों के मल से भरी होती थी, उसमें वो स्त्री जो 12 साल से जिसे लहू बहने का रोग था, जो चल नहीं सकती थी, घुटनों के बल रेंगती हुई उस धूल में जाकर प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छूने के लिए गई। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो गई, उसने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ और उसी समय वो चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि बेटी मैंने तुझे चंगा किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे मित्रों, हमारा विश्वास ही है जो हमें सारी परिस्थितियों से बाहर निकालता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है उन सारी बातों के लिए जो हमारे जीवन में घटित होती हैं। हम विश्वास करें और निश्चय तौर पर हम बड़े से बड़ी बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे, बड़े से बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। सो मैं आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की कहता हूँ।